इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी मिक्सर ग्राइंडर का मोटर का बेसिक लुब्रिकेशन कैसे कर सकते हैं। अगर इस केस में आप देखेंगे तो ये जो आपका मिक्सर ग्राइंडर है इसका बहुत दिन से लुब्रिकेशन नहीं हुआ है मोटर का, और ये बहुत हार्ड रोटेट कर रहा है, इसमें लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड है, तो हम लोग इसे लुब्रिकेट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो कपलर है उसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो देखिए कैसे रिमूव करते हैं इसे बड़े स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से। आराम से, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे करेंगे हम लोग। देखिए ये आ गया बाहर, कितना इजी है इसे रिमूव करना। तो एक काम हो गया, उसके बाद हम लोग इसे टर्न कर लेंगे इस तरह से, एक क्लॉथ पे इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद जो इसका बैक पैनल है इसे ओपन कर लेंगे हम लोग। जनरली 4 स्क्रू 5 स्क्रू होता है इसमें, और ये मिक्सर ग्राइंडर में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है, इसके मोटर को बहुत दिन से लुब्रिकेट नहीं किया गया है और बार बार ये ट्रिप कर रहा है इसका सर्किट ब्रेकर। तो इस केस में आप इस तरह से इसके मोटर को इजिली लुब्रिकेट कर सकते हैं। इसके पैनल को साइड कर लीजिए आप आराम से, ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। और ये हमारा मोटर, और इसे ही हमें लुब्रिकेट करना है। तो मोटर के बॉटम पोर्शन में आपको इस तरह का एक नट दिखेगा, इस नट को आपको लूज करना है। हो गया लूज, इसे आप बाहर निकाल लीजिए। ये आ गया बाहर, उसके बाद इसे भी बाहर निकालना है, और आपको केयरफुल रहना है क्योंकि इसके नीचे एक स्टील बॉल रहता है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट क्या कीजिए, इस तरह का जो मल्टीपर्पस ग्रीस होता है वो आप लीजिए, लिथियम ग्रीस, और यहाँ पे इसे फिल कर दीजिए। ये फिल हो गया, अब जैसे आपने इसे निकाला था उसी तरह लगा दीजिए वापस। इसे भी इंसर्ट कीजिए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जहां पे टाइट होता है उससे थोड़ा सा आपको इसे लूज करना है, थोड़ा सा। देखिए मैं क्वार्टर टर्न कर रहा हूं, और इसे आपको टाइट कर देना है। देखिए ये हो गया टाइट, और आपका जो बॉटम बेयरिंग था या बुश था उसका लुब्रिकेशन हो गया है। अब आते हैं टॉप पे। तो टॉप कवर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे 4 स्क्रू दिखेगा, 1, 2, यहाँ पे 3 एंड 4, इसे आपको लूज कर लेना है पूरा अच्छे तरह से। बाहर निकाल लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग इसको इन्वर्ट करेंगे, इसे होल्ड करके अच्छे से। ये आ गया, तो आपने इसका स्क्रू ओपन कर दिया है, तो ये कैप बाहर आ जाएगा, और ये रहा आपका मोटर। मोटर के ऊपर एक डैम्पिंग रबर रहेगा, इसको चेक कर लीजिए।
अगर ये डैमेज है तो इसे रिप्लेस कीजिए। उसके बाद देखिए ये है आपका मोटर और ये बुश रहता है और ये आपका शाफ्ट है, इस तरह से आपका मोटर रोटेट करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑयली डस्टी एरिया दिखेगा, इसे अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए, कोई भी यहाँ पे डस्ट कुछ भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसे क्लीन कर लीजिए। और इसके साइड में कॉटन टाइप का सब्सटेंस रहता है, वाइट वाइट ये जो सब्सटेंस रहता है, इसमें अगर आप ऑयल डालेंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और देखिए मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये जो आपका बुश रहता है वो पोरस सब्सटेंस का रहता है, वो उसमें ये सप्लाई करते जाता है। तो इसमें तब तक ऑयल डालिए जब तक ये एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए मैं डाल रहा हूँ, ये एब्जॉर्ब करते जा रहा है और ये सैचुरेटेड हो गया है। अब इसमें और ऑयल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, काफ़ी है इतना। और ये जो आपने ऑयल डाला है ये धीरे धीरे इस शाफ्ट को लुब्रिकेट करने में ये काम आएगा। और मैंने 20-40 इंजन ऑयल का यूज़ किया है इसमें, और ये देखिए कितना फ्री हो गया, ये बहुत ज़्यादा फ्री हो गया, पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गया ये। और हमने जो एडजस्ट किया था नीचे में जो नट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्ले होना चाहिए, वर्टिकल प्ले होना चाहिए, जो मैंने क्वार्टर टर्न लूज़ किया था उसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्ले ज़रूरी है, पूरा टाइट नहीं होना चाहिए, ये एकदम परफेक्ट है। तो इसी के साथ आपका मोटर का लुब्रिकेशन हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे हमने ओपन किया था वैसे ही वापस इसे लगा देंगे, ये कैप। उसके बाद इसे इन्वर्ट करके जो 4 स्क्रू हमने निकाला था वो लगा देंगे, ये देखिए आ गया। ये जो स्क्रू हमने ओपन किया था इसे हम लोग फिर से टाइट कर देंगे। तो मैंने इसके मोटर को लुब्रिकेट कर दिया है। अब एक लास्ट काम बच रहा है, वो है इसमें कपलिंग लगाना। तो कपलिंग का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक पार्टिकुलर शेप होता है, उसी शेप में ये जाना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ग्रीस लगा लेंगे ताकि इंसर्ट करने में इजी हो और नेक्स्ट टाइम जब निकालना हो तब भी इजी हो। और इस तरह से इसे शेप के देखिए ये जाने लगा है अंदर, और जब ये पूरा अंदर चला जाएगा तो इसका साउंड चेंज हो जाता है और उसके बाद वो और अंदर नहीं जाएगा। देखिए ये देखिए लास्ट हो गया, इससे ज़्यादा और नहीं जाएगा, आप कितना भी इसको हिट कीजिएगा, देखिए चला गया, इजली चला जाता है ये। और ये एकदम हॉरिजेंटल होना चाहिए, देखिए पूरा हॉरिजेंटल है, अगर थोड़ा भी इधर उधर टिल्ट रहा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना इजी है अपने मिक्सर ग्राइंडर के मोटर को लुब्रिकेट करना, उसके बियरिंग्स उसके बुशेस को लुब्रिकेट करना, विद इन 20 मिनट्स में आप ये कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके मिक्सर ग्राइंडर को लुब्रिकेशन का जरूरत होगा, अगर ये ओवर हीटिंग हो रहा है, बार बार स्मूथली रोटेट नहीं कर रहा है, तो आप खुद से ये कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।